السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحل لقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين दुआ तकदीर बदल दे बदल देती है ये वसल्लम ने हमको बताया ना कि अगर इल्म नहीं हो तो दुआ कर लें अल्लाह इल्म में इजाफा कर दे अगर बरका नहीं हो बरका की दुआ कर ले। जो चीज़ चाहिए, उसके लिए दुआ करें और फिर क्या अल्लाह साल जैसे फरमाएरीब उजीबाजी ला अल्लाह यशुदू जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है कोई भी बंदा दुआ करता है अल्लाह तला को पुकारता है तो अल्लाह सुबह फौरन के फौरन उसकी दुआ सुन लेते हैं कोई आपको वेटिंग लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवाना पड़ता अल्लाह सुबहान तला की सुनवाई के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता और ये मुसीबत और ये तकलीफ नहीं सहनी पड़ती फौरन के फौरन आपकी दुआ सुनी जाती है लिखी जाती है मानी जाती है सुबहान तला की शान ये है कि वो अपने बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता ना नहीं करता अल्लाह malik बादशाहों का बादशाह है जब आप उसके सामने हाथ फैलाते हैं झोली फैलाते हैं कोई चीज मांगते हैं तो अल्लाह सुबहान तला को गैरत आती है कि कोई बंदा कुछ मांग रहा है और अल्लाह तला कहीं मैंने नहीं देता ये नहीं करते अल्लाह सुबहन तो हमने क्या करना है फलिया सजीब उली वलियो मिनुबी अल्लाह सुबहान तला के हुक्मों पर लबै कहनी है अल्लाह सुबहान तला की बातों को मानना है जो हुक्म उसने दिए हैं उनके ऊपर अमल करना है जिन चीजों से रोका है उनसे रुकना है क्यों अल्लाह को कोई फायदा है उन चीजों से अगर हम उन चीजों से रुकेंगे या वो काम करेंगे जो करने को कहा जा रहा है उससे अल्लाह को कोई फायदा है नहीं हमारा फायदा है हमें अल्लाह तला नुकसान से बचाता है कुछ चीजें हुक्म दे देता है ताकि उसकी इंपॉर्टेंस हमको पता चले कि उसके करने से हमको कितने फायदे होने हैं और कि, किसी चीजों से रोकता है कि हमको ये एहसास हो जाए कि पता च, उस, उन नुकसान से उस हर्ट से हम बच जाए जिससे हमें ही तकलीफ होनी है तो अल्लाह तला हमें मना करता है उससे तो फलियस्तूली वलियो मीन उबी और फिर ये ईमान रखे हमने हमने ये दो काम करने हैं अल्लाह की पुकार पे लबैक लब कहना है ना और हमने यकीन रखना है कि हमारी दुआ सुनी गई है अल्लाह सुबहान तकमत की वजह से अल्लाह सुबहान जो बेहतरीन वक्त होगा उस वक्त वो दुआ कबूल हो जाएगी कबूल नहीं यानी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा कबूल तो वो हो जाती है अल्लाह सुबहान तला उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं हाँ उसको इम्प्लीमेंट कब करते हैं कि जबकि हमारे बेहतरीन फायदे की होती है वो जब वो हमें अच्छे से फायदा देगी तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों दुआ का बहुत ज्यादा हाथ है हमारी जिंदगी की बेहतरी और आ, सुकून में दुआओं को तो आप चलते फिरते सोते जागते उठते बैठते नमाज के बाद नमाज के अंदर नमाज के बाद सजदों में हर जगह पे न, दुआ को लाजिम कर ले अदुआ ही अलेबादा असल में तो दुआ ही इबादत है आपको उसका अजर भी मिल रहा होता है हाउ अमेजिंग इज दैट कितने मजे की बात है आप कह रहे हैं अल्लाह ताला मुझे ये दें, आपको वो चीज भी मिल जाएगी जो आप मांग रहे हैं और आपको वो मांगने पर भी अजर मिल रहा है ये दुआ मांगने पर भी अजर है मैं तो सच्ची हैरान हो जाती हूँ मैं अल्लाह सुबहान तला की शान के ऊपर हैरान हो जाती हूँ कि अल्लाह क्या तेरी शान है कि किस कदर आसानी से अजर बांटता है अल्लाह ताला लेकिन लेने वाला बंदा आगे होना चाहिए हम पढ़ रहे हैं अपना गदब का चैप्टर गुस्से का चैप्टर और गुस्सा एक बड़ी कह लें, एक बड़ी पावरफुल हमारी जिंदगी में चीज है एक ऐसी फीलिंग ऐसा इमोशन है जो बहुत स्ट्रांग होता है इतना स्ट्रांग होता है कि वो हमारे में सुपर पावर पैदा कर देता है यानी सुपर एक्टिव हो जाते हैं हम हमारे खून की गर्दिश को तेज कर देता है हमारे ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है हमारे जिसम की ताकत को मल्टीप्लाई कर देता है यानी अगर आप देखें कि गुस्से में इंसान कितना ऊंचा बोलता है अः नॉर्मली इतना बोल नहीं सकता ऊंचा आप नॉर्मल आपकी आवाज कैसी होती है आप आपका पिच कितनी होती है हाई ऐसी बात खड़ा बंदा आराम से सुन सकता है लेकिन गुस्से में इस कतर जोर की आवाज निकलती है कि आपने खुद भी अपनी आवाज को कभी इतना ऊंचा नहीं सुना होता और हाथ कैसे चलने लग जाते हैं जब अगर कोई गुस्से में कोई किसी को मारता है तो वो ताकत जो है वो मल्टीप्लाई हुई हो होती है वो नॉर्मली आपका हाथ इतना जोर का काम नहीं करता जितना गुस्से के अंदर काम करता है तो ये गुस्सा आपके अंदर मौजूद है दिस इज एन इमोशन जैसे आप मोहब्बत नरमी यानी कोई भी और इमोशन आप सोच लें जो आपके अंदर है उसी तरह का एक इमोशन क्या है गुस्सा अब गुस्से को आपने किस तरीके से पॉजिटिवली इस्तेमाल करना है अगर तो आप गुस्से को नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा वो शैतानी हो जाएगा शैतानी गुस्सा हो जाएगा वो आपके अंदर आग लगा देगा और उस आग में सिर्फ ये नहीं कि आप झुलसेंगे खुदा ना खास्ता हम खुद से नहीं झुलसे बल्कि दूसरे को भी झुलसा के रख देते आग क्या करती है खा जाती है ना चीजों को जला के राख कर देती है तो ऐसे ही गुस्सा भी अगर उसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो वो झुलसा के रख देता है बर्बाद करके रख देता है जला के रख देता है और राख कर देता है चीजों को तो इस जैसे हमको हर चीज में गाइडेंस चाहिए ना वैसे ही हमको अपने इमोशंस को सही जगह पर सही वक्त पर इस्तेमाल करने की गाइडेंस भी चाहिए होती है और हु कैन बी बेटर देन रसूल नो वन सबसे बेस्ट उस हसना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है हमारे लिए अक्सर बेशतर मैं ये सोचती हूँ कि अल्लाह अल्लाह सुबहान तला की हमत और अल्लाह ताला का हिल्म और अल्लाह ताला की रहमत हैरान कर देती है हमको यानी हम अल्लाह सुबहान तला के गजब को इतना भड़काते हैं इतना भड़काते हैं जरा सब के सब अपनी अपने अंदर झांके हम कि हम अल्लाह ताला के गज़ब को कितना भड़काने वाले काम करते हैं नमाजों को मिस करते हैं रिश्तेदारियों को काट के रखते हैं आ, आ, उसको क्या कहते हैं जो काम करने के हैं वो करते नहीं जो नहीं करने के हैं वो कर रहे होते हैं अपनी आंखों से कानों से दिल से दिमाग से हाथों से बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो अल्लाह सुबहाना तला को गजब दिलाते हैं लेकिन अल्लाह सुबहाना तला कि शान इतनी बड़ी है और उसकी रहमत इतनी बड़ी है कि वो फिर भी हमको माफ करता रहता है हम समझते हैं हमारी दुआ नहीं कबूल हुई अल्लाह हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हुई हम तो कब से मांग रहे हैं यानी अल्लाह सुबहान को अम, के ऊपर तवक्ल और यकीन नहीं रखते और अपनी डेस्पेरेशन में ऐसे वर्ड्स कहते हैं जो गुस्सा दिलाने वाले होते हैं अल्लाह तो मेरी सुनता ही नहीं अल्लाह किनका किन की सुनता है हमें तो नहीं पता नाउदिल्ला नाउदिल्ला ऐसे जुमले बोल देते हैं जो इंतहाई नाहक और रद्दी किस्म के जुमले होते हैं लेकिन हम बोलते हैं अल्लाह सुबहन तला की शान क्या है कि अल्लाह तला हिल्मा है अल्लाह अपने गुस्से को रोक कर रखता है हमें मोहलत देता है हमारी नासमझी और बेअकली और बेचैनी के ऊपर अल्लाह सुबहान तला नहीं कहते ठहरो फिर अभी तुम्हें देता हूं जो तुम मांग रही हो और वो चीज बगैर हमत के अल्लाह तला नहीं देता अल्लाह वाला है हिल्म का मतलब होता है गुस्सा दिलाने के बावजूद कोई गुस्सा दिलाए भी तो दूसरा क्या करे अपने गुस्से को रोक कर रखे कंट्रोल करे और इंतकाम ना ले तो मेरी प्यारी बहनों जिंदगी में अक्सर बेशर हमारे ऐसे वाकयात पेश आते हैं जिनमें हमारी जिंदगी का पजल कंप्लीट हो रहा होता है उस वक्त में बेचैनी के बजाय अल्लाह सुबहान तला की हिकमत पर यकीन रखना चाहिए और अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना चाहिए अल्लाह ताला से ताल्लुक को और मजबूत करना चाहिए क्यों क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कह रहे होते हैं, हमारी तो दुआ कबूल नहीं हो रही हम तो साल साल से मांग रहे हैं और अल्लाह ताला ने हमारी नहीं सुनी हालांकि उस वक्त में अल्लाह सुबहानो त आपको बहुत कुछ सिखा रहा होता है आपके दिल को मजबूत कर रहा होता है आपके अखलाक को बेहतर कर रहा होता है आपको आखिरत की अनलिमिटेड नेमतों के लिए तैयार कर रहा होता है और इसके अलावा आप ही की जिंदगी का हिस्सा कोई बंदा अभी प्रिपेयर नहीं है कि वो आपकी जिंदगी की स्टोरी को कंप्लीट कर सके ही इज बींग प्रिपेयर उसका उसकी प्रेपरेशन हो रही होती है ऐसे हालात क्रिएट हो रहे होते हैं जिसकी वजह से आप सीधे रास्ते की तरफ धकेल के लाई जा रही होती हैं। अगर वो हालात और वो सिचुएशंस ना पेश आए तो आप उस सीधे रास्ते की तरफ आ ही नहीं सकते अल्लाह सुबहाना हम सबको बेहतर जानता है इस तरह क्या होता है कि सब तरफ से वो सारे अवामिल इकट्ठे हो रहे होते हैं सब तरफ से सिचुएशन वो जो होता है ना पेवमेंट क्या कहते हैं आप पेव की जा रही होती है आपके लिए आपके लिए परफेक्ट रास्ता बनाया जा रहा होता है हालांकि हम देख रहे होते बड़ी मुश्किलें हैं बड़ी मुश्किलें हैं लेकिन अल्लाह सुबहाना हर तरफ से चीजों को फिक्स करके हमें जन्नत के रास्ते पर डाल रहा होता है असल में तो हम इम्पोर्टेंट है ना असल में तो हमारी आखरत बचनी है ना तो वो हमारी स्टोरी कंप्लीट हो रही होती है अक्सर वैसे अः गुस्सा देखें आपको किसके ऊपर आता है बच्चों के ऊपर आता है शोहर के ऊपर आता है रिश्तेदारों के ऊपर आता है दोस्तों के ऊपर आता है दुनिया वालों पर आता है यानी मुख्तलिफ लोग होते हैं ना और सबसे ज्यादा गुस्सा अपने घर वालों पर आता है क्योंकि आप उनके ऐबों से वाकिफ होते हैं और आपने हर वक्त उसको टैकल करना होता है हर वक्त उसको टैकल करना होता है तो आपने ये जो पिछली दफा हदीस पढ़ी थी ना कि रसुल्ला ने फरमाया था सिखाओ इल्म दो और युसर पैदा करो आसानी पैदा करो इजी टू गो विद बन जाओ और क्या करो वला तो आस मामले को कॉम्प्लिकेटेड कुंप्ल, ना करो मुश्किलें क्रिएट ना करो क्योंकि अक्सर वेशर मेरी प्यारी बहनों होता ये है कि गुस्सा हम कर इसलिए ऐसे ही होता है ना आपको जब मैं ये बातें कह रही होती हूँ ना तो मैं अपने आप को भी एक बात बता रही होती हूँ सो जब मैं आप कहती हूँ तो मैं भी उसमें शामिल होती हूँ हालांकि क्या ना हम चाहिए होता है पर एनीवेज मेरे मुंह से निकल जाता तो जब हम आ, कभी भी गुस्सा करते हैं तो असल में क्या हमारा मकसद होता है सब सोचें हम चाहते हैं कि दूसरे बंदे को समझ आ जाए हम चाहते हैं कि दूसरा बंदा सीधे रास्ते पर आ जाए हम चाहते हैं कि सिचुएशन बेहतर हो जाए लेकिन आप और मैं हम सब सोचें कि गुस्से के बाद कॉन्सिक्वेंस क्या होता है जब हम एन उस टाइम पर जिस वक्त बहुत ज्यादा हमको गुस्सा चढ़ा होता है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होता है क्या कह रही है रमशा आप बोले ये नहीं। वो आप पूछी थी ना मैम कि क्या क्यों करते हैं गुस्सा तो इसीलिए अगले पर एहसास हो और अपनी भी भड़ास जो हो रही होती है वो भी निकल जाए हाँ तो मेरा क्वेश्चन है कि क्या ऐसा होता है नहीं थिंग्स कैन गेट डू गेट कॉम्प्लिकेटेड Hmm, यही बात है असल में समझने की कि जिस वक्त है, एन जिस वक्त आप भड़क रहे हैं एन जिस वक्त आपका ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है अगर आप उस वक्त में बोलेंगे तो आप नासमझी की बातें करेंगे आपसे वो काम हो जाएगा जिसके बाद आप उसको रिग्रेट करेंगे चाहे करीबी फ्यूचर में हो चाहे दूर के फ्यूचर में हो लेकिन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिग्रेट सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू व्हाट शुड वी डू अबाउट इट वो ये है कि जो रसूल ससम ने बताया एन गुस्से के वक्त मत बोले ये देखिए क्या है वह इधा गदीब अहद फल यस्कुत जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ क्या हमेशा के लिए खामोश हो जाए नहीं वो राइट देर एंड देन जब आपको बहुत शदीद गुस्सा है ना उस वक्त खामोश हो जाए क्योंकि उस वक्त आपके मुंह से शैतान वैसी बातें निकलवा देगा जो काम नहीं करेंगी आपकी बात हल्की हो जाएगी ना आप कह भी देंगे और काम भी नहीं होगा और यही तो शैतान की वो है ना कि वो गुस्से में हमसे ये कहवा देता है वो काम करवा देता है कि जिसका हमको फायदा नहीं होता और नुकसान होता है तो उस वक्त में उस वक्त में जिसमें गुस्सा चढ़ा हुआ है कीजिए और थोड़ा सा अपने टाइम दीजिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए आपका दिमाग सोचने लग जाए नपे तुल्ले अल्फाज बोले सोच समझ के बोले क्या इस वक्त अगर मैं ये बात करती हूं तो क्या ये कारामत होगी क्या ये उस बंदे पर आ, असर करेगी कभी होता ना कि शोहर के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो गलत काम कर रहे होते हैं और डेफिनेटली गलत काम के ऊपर गुस्सा चढ़ता है ये हक है कि गुस्सा चढ़े गलत बात पे गैरत आए लेकिन आप क्या सोचते हैं कि उस वक्त में जब आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है और आपने कोई बात कहनी नहीं है तो क्या आप अपने हस्बैंड की कोई अच्छी बात याद रखेंगे क्या आप उस वक्त कोई अच्छी बात कर सकते हैं नहीं आपको सारी गलत बातें याद कराएगा शैतान सारी गलत बातें याद कराएगा और आपसे कहेगा ये भी कह दो ये भी कह दो ये भी कह दो और आपके हस्बैंड सोचेंगे कि इसको मेरा कोई भी नेकी याद नहीं है ये इसके दिल का हाल है ये मेरे बारे में ये सोचती है अच्छा अगर आप थोड़ा सा इंतजार कर लें जब गुस्सा आपके शोहर ने चढ़ाया आपको गलत बात की नाहक बात की और आपका यह हक है कि आपको गुस्सा चढ़े आपने उस वक्त खामोशी इख्तियार की आपने कहा अल्लाह तआला मोहम्मद रसूल वसल्लम ने मुझे बताई बात कि मैं चुप कर जाऊं तो अभी मैं चुप कर रही हूं मुझे बेहतरीन रास्ता दिखा दीजिए किस तरीके से मैं मैंने अभी आपको क्या कहा दुआ क्या करती है दुआ तकदीर बदल देती है दुआ आपको वो तरीके सुझा देगी वो अल्फाज बता देगी जिनको इस्तेमाल करने से वो नतीजा हासिल होगा जो आपका मतलूब है जो आपको चाहिए लेकिन अगर आपने गुस्से के वक्त में अपनी सारी दिल की भड़ास निकाली तो शैतान आपसे गलत बातें कहलवा देगा आपके हाथ से कोई गलत काम करवा देगा और जिससे आपको मकसूद भी नहीं मिलेगा वट एवर यू वॉन्ट यू वॉन्ट बी एबल टू गेट इट द कॉन्सिक्वेंस और द रिजल्ट इज गोइंग टू बी द ऑपोजिट टू वट यू वर एक्सपेक्टिंग तो असल में क्या होता है कि जब आप हदीस पर अमल करते हैं ना तो अल्लाह सुबहाना तला की रहमती और बरकतें नाजिल होती हैं क्योंकि आपने कहा कि मुझे गाइडेंस अल्लाह ने है कुरान पाक में बेहतरीन गाइडेंस है रसुल्लम की तो, तो आपने वो ले ली तो क्या हुआ एक तो उसके बात मानने की वजह से आप पर रहमतें हुई अल्लाह ने आपको भी बख्शा आपके रास्ते आसान किए और आपको एक अच्छा अः सुझा दिया कभी ऐसा होता है कि वही शोहर जो बहुत गलत काम कर रहा होता है जब आपके करीब बैठा होता है जब लाड के मूड में होता है जब उसकी फील उसके अंदर हिल आया होता है नॉर्मल बैठा होता है तो आप कह देती हैं कि देखें ये काम आपने कितना गलत किया अगर मैं ऐसा काम करती अगर मैं किसी मर्द के साथ ऐसे जुड़ के बैठूं या मैं किसी भी गैर मर्द को अपना भाई कहूं और उसके साथ बैठ के हंसी मजाक करूं उसको अकेले में जाके पिक करूं उसको अपने घर लेकर आपकी क्या फीलिंग होगी आपकी क्या मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ गुस्सा आएगा मुझे तो बहुत बुरा लगेगा मुझे बहुत खैरत आएगी तो आप कहना कि एज फील द सेम एक इंसान होने के नाते आपसे मोहब्बत करने के नाते मुझे भी ऐसी फीलिंग होती है जब आप किसी दूसरी औरत को अपनी बहन कहकर उसके साथ जुड़ के बैठते हैं या उसको पिक एंड ड्रॉप देते हैं अकेले में तो मुझे भी ऐसी फीलिंग होती है इस दैट रॉन्ग क्या मैं गलत हूं तो कहेंगे नहीं हाँ हाँ आपने सही कहा आपने सही कहा अब आपने उस वक्त में ये बात कही और एक नॉर्मल आवाज में कही क्योंकि गुस्से में ना हमारी शक्ल भी बदल जाती है हमारी आवाज भी बदल जाती है और हमें लगता है कि वो बंदा दूर है जिसको मैंने आवाज देनी है इसलिए मैं बहुत ऊंचा बोलूंगी तो फिर उसको उसके दिल को आवाज जाएगी बंदा तो सामने खड़ा होता है दिल दूर होता है ना तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर और हिकमत आती है इंसान गिरता है मैं ये नहीं कहती कि उसको हंड्रेड एकदम फिक्स वो जो क्विक फिक्स होता है वो हो जाता है और गलती नहीं करता और गुस्से के टाइम में जो है फटाफट मान जाएगा बात और नहीं इंसान गिरता है फिर संभलता है फिर अगली सिचुएशन के लिए तैयार हो जाता है कहता नहीं 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 नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूंगी क्योंकि अल्लाह के रसूल रसुलसम ने मुझे ये बताया है कि एन गुस्से के वक्त एन गुस्से के वक्त ये क्या है वही जब जब गतिबाद जिस वक्त उसको गजब आए और गजब क्या होता है जिसमें इंसान बदला लेने पर उतर आता है चाहे जुबान से चाहे अपने एक्शन से मार कुटाई करे या गाली गलोच करे या ताने दे, तो जब ऐसा यादब उसके अंदर आ जाए तो फल खामोश हो जाए तो असल में बात यह होती है कि जब आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बात करते हैं तो फिर आपको अच्छाइयां भी लोगों की याद रहती हैं आप पहले तारीफ करते हैं और आप कहते हैं कि आई नो दैट यू आर सच अ नाइस पर्सन यू हैव सच अ गुड हार्ट यू आर वेरी वेरी सॉफ्ट टूवर्ड्स मी यू हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ मी आपने हमेशा मेरा ख्याल किया है मैं जी आपसे कोई शिकायत नहीं है आप एक नेक इंसान है लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहती हूँ तो जब नॉर्मल बात की जाएगी तो नॉर्मली दूसरे को समझ भी आ जाएगी गुस्से में हम अक्सर और वेशतर दूसरे की अना को जगा देते हैं ईगो जो होती है ना वो मर्दों के अंदर होती है ज्यादा अगर कहीं हम ईगो को जगा दें और जमीर को ना जगाए गलत चीज को जगा दिया जैसे कोई जानवर होता है ना वह जानवर हम्म एक है जो आपके फायदे का जानवर है जानवर वो भी लेकिन फायदे का है और एक है जो वैशी जानवर है तो वैशी जानवर को अगर जगा दें तो वो क्या करता है वो हमला ही करता है ना उसको काम डाउन करना कितना मुश्किल होता है लेकिन एक मवैशी के बारे में सोचें वो जो आपके फायदे का है बकरी है भैंस है कुछ उसको हम जगाते हैं तो फायदा देने की होती है तो ऐसी एक इंसान के अंदर उसकी अना भी होती है और उसका जमीर भी होता है अना जाग जाए तो बहुत ही खराबी होती है और अगर जमीर जाग जाए तो खैर ही खैर होती है और जमीर तभी जागता है जब आप मौके की मुनासबत से आराम और सुकून के साथ सोच समझ के नपे तुले अल्फाज बेहतरीन मिसाल ढूंढ के क्योंकि जब आपको टाइम मिलेगा तभी तो आप मिसाल सोचेंगे ना गुस्से में तो नहीं कोई मिसाल सोचती तो आप सोच के के देखो किस वक्त में कब ये लोहा गर्म होगा कि मैं चोट लगाऊं तो उसकी शेप बदल जाए और मुझे में फायदा हो वो मेरे काम की चीज बन जाए तो ये बात होती है कि आपने उसका ध्यान रखना होता है अच्छा और ये सबसे गलत बात होती है कि आप अपने शोहर का गुस्सा अपने बच्चों पे निकालें बच्चों को कूट कूट के रख दिया उन बेचारों को पता ही नहीं हमें मार किस बात पे पड़ रही है तुम जिसकी औलाद हो तो जिसकी औलाद है उसको पूछें औलाद ने तो कुछ किया कोई नहीं और आप अपने शोहर का या अपने सास ससुर का गुस्सा अपने बच्चे को मार के निकाल रही हैं बच्चे का क्या कसूर है और यह फिर ये करते हैं कि बच्चों का गुस्सा शोहर पर निकालते हैं गुस्सा शोहर यानी बच्चों पे चढ़ा होता है क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया होता कोई बात नहीं मानी होती होमवर्क नहीं किया होता टेस्ट में गलत मार्क आए होते तो उसका गुस्सा अपने शोहर के ऊपर क्या आप तो कोई मेरी मदद ही नहीं करते मैं तो अकेली ही लगी रहती हूँ खाने मैं पकाऊ मेहमानों को मैं देखू अम्मी अबू को मैं देखू और फिर आपके बच्चों की भी तरबियत मैं करूं गुस्से में हम अपनी सब नेकियों को जाया कर देते हैं एहसान जिता कर बस ये समझ ले कि गुस्सा जो है ना वो काफी सारी बुराइयों को इकट्ठा कर लेता है और इंसान लॉस में चला जाता है प्रॉफिट की बजाय लॉस में चला जाता है तो इसलिए ये जरूरी है हमको पता करना है कि हमने किस तरीके से इसको कंट्रोल करना है आज ये बात आपको पता चली है कि फरमाया खामोश हो जाओ उस वक्त खामोश हो जाओ अम्बेट एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा ना कभी कभार हम फिसल जाते हैं तो आ, ऐसे भी तो होता है ना कि बहुत जब तकलीफ हुई हो हर्ट कोई कर रहा हो आप एक दफ़ा सरप्राइज कर दो ठीक है आप खामोश हो जाते हो फिर दूसरी दफा हो तीसरी दफा हो फिर एक टाइम आता है कि यू मतलब का नहीं होता या आपको इतना ही नहीं आती अच्छा चलो अच्छे टाइम पे मैं निकालूंगी फिर उसी यू के अगले को एहसास हो और वहां तो से इस इसका मतलब है कि आपने वक्त, आपने सही वक्त पर उसको उसका इलाज नहीं ना किया आपने क्यों दो तीन चार बार और होने दिया आप यू शुड सॉल्यूशन अर्लियर नहीं लाइक इफ द पर्सन इज स्क्रीमिंग इन एंगर तो एक दफ़ा चीख रहा है फिर दूसरी दफा चीख रहा है एंड यू आर लाइक चलो शायद अभी ठीक हो जाए फिर वो हर्ट uh, हो जाता है ना इंसान हो जाता है अंदर भी ये आप उसी एक वक्त की बात करें कि एक ही वक्त में चीख एक ही वक्त में अगर थोड़ी हाँ, तो इस वक्त में आपने नहीं बोलना नहीं आप आप चुपी करें तो बेहतर है क्योंकि आपने ये पूरा ये जो पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है ना उसमें आपने खामोशी इख्तियार करनी है Okay. ठीक है ना ये पूरी सिचुएशन में खामोशी इख्तियार करनी यानी कि अब एक दफा उसने बोला तो आपने कहा कि चलो मैं बर्दाश्त और अगली दफा बोलेगा तो आप उसको सुना देंगे नहीं ये कहा जा रहा है कि जिस एक सिचुएशन को खामोशी से करें अब वो सिचुएशन खत्म हो गई उसने बोल दिया जो कुछ बोलना था खत्म होगी डिफ्यूज हो गई यानी वो अपना चला गया आप अपने चले गए अब इस सिचुएशन के बाद मैं कह रही हूँ सोचनी है जैसे मैंने अभी मिसाल दी है, साथ है, या दोस्तियां करता है या और एक वक्त में ऐसा आया कि उसने गुस्सा दिलाया अब वो पिक करके आया और वो अकेला था और वो लड़की अकेली थी और वो बैठ के बातें कर आपको गुस्सा लग रहा है आपने इस वक्त में नहीं बोलना इस वक्त में नहीं बोलना आपने जब वो आपको एन गुस्सा दिला रहा है वो बैठा हुआ है उसके साथ वो खुश कपियों में लगा हुआ है अब आपने क्या करना है आपने इंतजार करना है यू नो आई नीड टू फाइंड द राइट वर्ड्स द राइट टाइम द राइट सिचुएशन व्हेन ही इज ही विल बी एबल टू लिसन टू मी राइट नाउ अगर मैं कुछ कहूंगी तो उसकी अनाज जाग जाएगी वैशी जानवर जाग जाएगा और वैशी जानवर मुझे भी तकलीफ देगा मुझे भी मारेगा इसको भी मारेगा ना इसका कोई फायदा होना है, ना मेरा कोई फायदा होना है सो आई नीड टू वेक अप दैट विच इज गोइंग टू बेनिफिट अस एंड दैट इज जमीरी Like you have to utilize that anger in the right way. मतलब उसका आ रहा है वो फेर है लेकिन उसको कैसे निकालना है वो तरीका और वो टाइम का ध्यान आ, तो वो गुस्से में तो वो तरीका नहीं सोचेगा आपको <laughs> वही तो मैं कह रही थी हाँ गुस्से में नहीं तरीका सोच सकता जब तक कि आप अपने दिमाग को आप उधर से हट जाए आप उधर से हट जाएं और आप जैसे अभी रसूल सल्लाम की अगली हदीस आएगी ना तो मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से चलिए पहले अपनी हदीस पढ़ लेते हैं ना फिर उसके बाद मैंने फिकुल कुलूब की बात बात आपको बतानी है अगली हदीस है कि अन अनसिनदील अनस ने फरमाया लम यकुन वसल्लम नहीं थे रसूल सल्लाम क्या फाहिशन फोहश गोई करने वाले वो निफोहिश गोई करते थे गाली गलोच नहीं करते थे बुरी बात नहीं करते थे वला ला आनन और ना वो बहुत ज्यादा लानत मलामत करने वाले थे वला सबबान और ना गालियां देते थे काना यकूल कहा करते थे वो जब काना के साथ मुदारे आ जाता है तो फिर इसका मतलब होता है इट इज कंटीन्यूअस टेंस कहा करते थे इन दल जब उनको अताब आ जाता था जब उनको गुस्सा आ जाता था तो क्या कहा करते थे मालू क्या हो गया है इसको तारीबा जबीन इसकी जबीन मट्टी को टच करे इसकी माथे पे मट्टी लगे जैसे माथे पे मट्टी लगने का क्या मतलब है अल्लाह इसको सजदे की तोफीक दे अल्लाह के आगे हम्बल हो जैसे हम नहीं कहते पंजाबी में कहते हैं बेड़ा तर जाए कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए तुम कामयाब हो जाओ या हम कहते हैं अल्लाह तुम्हारा भला करे जब गुस्सा चढ़ता तो लोग कहते हैं ना अल्लाह तुम्हारा भला करे कैसी बात अल्लाह तुम्हें हिदायत दे हम्म तो ऐसे ही वसल्लम क्या कहते थे मा लहू तरीब जबीन हो अल्लाह इसको हो क्या क्या है इसकी जुबीन पर मट्टी लगे कि इसकी जुबीन सजदा करे यानी आपने गुस्से के बीच में नेगेटिव लफ्स बोलने के बजाय पॉजिटिव वर्ड्स बोलने होते हैं क्या हो गया भाई जैसे हम नहीं कहते बच्चों को क्या हो गया भाई अल्लाह तुम पे रहम करे अल्लाह तुम्हें नेक करे अल्लाह तुम्हें सौले करे अल्लाह तुम्हें दुनिया आखरत में सुरखरु दे अल्लाह तुम्हारे तुम्हारे चेहरे को रोशन रखे अल्लाह तुम्हारे लिए आसानियां करे देर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन से पर हम गुस्से में बदुआ बिल्ला दे जाते बदुआ यानी मुंह से निकल जाती है इंसान को बहुत सोचना चाहिए कि वो अगर कबूल हो गई तो क्या मेरा भला होगा यानी अपने ही है ना अपना हस्बैंड है अपने बच्चे हैं अपने रिश्तेदार हैं अगर किसी को नाउद बिल्ला गुस्से में बदुआ देते हैं तो अगर वो बदुआ कबूल होती है तो क्या वो उससे मेरा भला होगा या उस बंदे का भला होगा हमने तो ऐसा बंदा बनना है जिससे खैर ही खैर मिले दूसरे को बस इट फुल स्टॉप लगाए इस पे मेरे से हर एक को खैर मिलनी चाहिए एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने लिए अल्लाह के सामने खड़ा होना है अपना हिसाब किताब देना है मैं लोगों के लिए नहीं हूं मैं अपने लिए मैं सब कुछ अपने लिए कर रही हूं तो जब हम इस तरह की सोच रखते हैं ना तो फिर हमको समझ आती है कि मैं तो खैर खैर होनी चाहिए मेरे अंदर मोमिन मोहब्बत करता है और मोहब्बत किया जाता है मोहब्बत करता है और मोहब्बत किया जाता है उसको हर एक से भलाई होती है हर एक से उसका भले और खैर के मकासद जुड़े होते हैं तो आप देखें रसुल्ला कितना तंग किया था अब्दुल्ला बिनूबई ने कितना तंग किया था आप और मैं हम सोचे उस सिचुएशन में जबकि वो बुरी बातें भी कह रहा है जड़ें काटने की कोशिश कर रहा है बड़ी से बड़ी जंग में नाकाम करने की कोशिश कर रहा है कर रहा है जबकि दुश्मन सर पर आ रहा है ताने दे रहा है उसको क्या कहते हैं दुश्मनों के साथ मिल रहा है वसल्लम की वाइफ के ऊपर बहुतान है और उसके बावजूद यानी रसुलसम क्या कर रहे हैं खड़े होके मजमु में उसको बदुआएं दे रहे हैं रसूल ने कुछ नहीं किया अल्लाह तला ने भेजा आयात कि इन मुनाफिकों का क्या हाल होगा यहूद क्या करते थे रसूल के साथ हसी मजाक ठट्ठा और बुरी बातें यानी आप सोचें कि आप ही की महफिल में कोई बैठा हो और आपको अः जुमानी लफ्स बोल रहा हो और आपको पता हो कि ये क्या कह रहा है आपका गुस्सा किस पॉइंट पे पहुंचेगा जबकि आप कह, कहना हो राई, राई ना कहना होता था ना कि एक्सक्यूज मी पार्डन आई बेग यू पार्डन जैसे हम कहते हैं तो राई ना, राई ना कहते और हंसते बोले हम जैसा कोई बंदा होता ना समझता कि वो मुझे कह रहा है हमारे चरवाहे और क्या हाल हो कि अगर कोई हमको ऐसा कहे हम्म चले सोचें शाबाश बहुत गुस्सा है बहुत गुस्सा है अच्छा रसुल्ला ने क्या किया उस वक्त में ही नो you know, अगर मैं टीच कर रहा हूं तो आई नो व्हाट दे आर एम गोइंग टू इग्नोर दैट क्योंकि गुस्से के वक्त में बोला तो क्या बोलेंगे आप जो कह रहे हो मुझे पता है आपका जो मतलब है वो मुझे पता है और वो किस यहां से कहानी शुरू होनी है उन्होंने कहना नहीं जी हमने तो आपको ये कहा नहीं 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 तुमने ये कहा था तुमने ये लंबा बोला था कोई और ही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी बंदा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा बंदा अपने ट्रैक से हट के किसी और ट्रैक पे लग जाएगा रसुल्ला ने ये नहीं किया नहीं किया हमारा फोकस कुछ और है और शैतान हमें कहीं और ले जाना चाहता है तो हमसे खैर ही मिलनी चाहिए सबको आप ये सोच लें जब कोई गुस्सा दिलाए उसको दुआएं देने लग जाएं। अब यकीन करें दैट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव थिंग जैसे वसल्लम दे रहे हैं ना दुआ दुआ देने लग जाएं। आप देखिए आपका दिल भी ठंडा हो जाएगा आपको लगेगा कि आई एम बेटर इन अ बेटर पोजिशन आई एम अ बेटर ह्यूमन बींग अल्हमदुल्ला अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा नहीं कहा कि अगर वो मुझे बुरे बात कह रहा है तो मैं उसको गाली दूं और मजलूम की बजाय मैं जालिम बन जाऊं कभी कभी ऐसा होता है कि हम मजलूम होते हैं लेकिन फहज गोई की वजह से या लान तान की वजह से या गाली गलोच की वजह से हम जालिम बन जाते हैं हम्म तो जालिम बन जाते हैं ना देखिए ना नहीं हो सकता लेकिन ट्रेन तो कर सकते हैं ना इतने अथरे घोड़े होते हैं कि वो टच नहीं करने देते लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो टेम करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं उस घोड़े को प्यार करते हैं खाना खिलाते हैं और प्यार करते हैं उनको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि हम तुम्हारे हम दर्द हैं हम्म और फिर एक वक्त क्या आता है कि घोड़ा उनकी हर बात मान रहा होता है सो वी नीड टू ट्रेन आवर सेल्व हमारे नफ्स का घोड़ा जो है ना वो कहता है नहीं नहीं तुम बहुत गुस्सा करती हो नहीं नहीं तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी नहीं नहीं तुम्हारे पे जुल्म हो रहा है करो वो जो तुम्हारा दिल कह रहा है करो और अल्लाह के ससम क्या कह रहे है? कंट्रोल करो कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि सप्रेस कर देना देखिए मेरी प्यारी बहन बहुत फर्क है इस चीज में वी नीड टू अंडरस्टैंड आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप अपने गुस्से का इजहार किसी तरीके से भी ना करें और बस इसको दबा दें जो आपके साथ जुल्म हो रहा है बस उसको दबा दें और उसको इग्नोर नहीं एक वक्त के बीच में उसका इजहार करें लेकिन इन अ वेरी नॉर्मल वे जब आपका दिल दिमाग भी ठंडा हो और दूसरा भी सुनने के काबिल हो उस वक्त उसका इशारा कर दीजिए ठीक थी? आखिरी हदीस पढ़ लेते हैं उसके बाद में आपको दूसरी चीज बताती हूँ ल्लाह जब तुम में से किसी एक को गुस्सा आए वह हुआ इस हाल में कि वो मुन खड़ा हुआ हो फल अजलिस तो उसको चाहिए कि बैठ जाए क्योंकि खड़े होने में जो आपने तेजियां करनी है ना और जो आपका जिसम चल जाएगा ना और जो काम कर देगा अगर आप बैठे होंगे तो तसली हो जाएगी इन फिर अगर गतबू चला जाए उससे तो ठीक है इट्स ओके यानी बैठने से सिचुएशन डिफ्यूज हो गई और थोड़ा सा सुकून आ गया तो ठीक वह इला और अगर नहीं अदरवाइज क्या होगा फलियस्ता जे तो उसको चाहिए कि वो लेट जाए लेट जाए ये पोजीशन के चेंज करने से भी काफी सारी चीजें बदल जाती हैं काफी सारी मदद हो जाती है तो आप ये ना समझे कि रसुल्ला सब ने ये कहा है उफ मैं ये नहीं कर सकती ये नहीं कर सकती आपने हमेशा ये कहना है मैं ये कर सकती हूं मैं ये करूंगी अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं अहन गुस्से के वक्त अल्लाह मुझसे ये काम करवा कि मैं उस सिचुएशन में से निकल जाऊं और मैं गुस्से के वक्त में गलत बात या गलत काम ना कर बैठू मुझे शैतान के हाथ में खिलौना ना बनाना क्योंकि जैसे बच्चा बॉल से खेलता है ना फुटबॉल से खेलता है ना कभी इधर कभी उधर कभी उधर फेंकता है तो गुस्से के बीच में शैतान इंसान के साथ ऐसे खेलता है कभी उससे कुछ कहलवाता है कभी उससे कुछ, कुछ करवाता है कभी कुछ कभी कुछ और इंसान अपने ही नजरों में गिर जाता है अच्छा अब ये देखना चाहिए कि जैसे जिसम को गजा की जरूरत होती है ना ऐसे ही रूह को भी गजा की जरूरत होती है और कुछ गजाएं रूह और दिल को ताकत देती हैं और वो सेहतमंद कर देती हैं दिल को और वो कौन सी गजा होती है ईमान की गजा अल्लाह सुबहान तला की पहचान की गजा अल्लाह तला के असम और सिफात को पहचानने की गजा कि पता चल जाए अल्लाह है मेरे साथ अल्लाह सुबहान मेरी दुआ सुन रहा है वो ये देख रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है और वो मुझे ये सुझाएगा कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ तो आप पलटते हैं अल्लाह की तरफ तो अल्लाह सुबहान तला आपको हिकमत अता फरमाता है फिर क्या गजा आपके दिल को सेहतमंद करती है आपको स्ट्रॉन्ग करती है ताकि आप डिफरेंट सिचुएशन में जब के इंसान वीक हो जाते हैं और गलतियां उनसे ज्यादा हो जाती उस वक्त में आप स्ट्रांग हो जाएंगे अगर आप ये गजाएं खाएंगे ना अपने दिल को ये गजा खिलाएंगे तो उन कमजोर औकात में आप मजबूत हो जाएंगे आप अकलमंद रहेंगे और वो क्या गजा है अल्लाह ताला की अतात और नेक आमाल की मोहब्बत और अल्लाह तला ने जिन चीजों से मना किया उससे दूरी ये गजाएं ये खाने हैं जो आप अपने दिल को खिलाते हैं जब आप खिलाते रहते हैं तो दिल हो जाता है और दिल का फसाद, दिल का बिगाड़ कहाँ से शुरू होता है चलें ये भी देख लेते हैं कौन सी चीजें हैं जो आपके दिल के बीच में बिगाड़ पैदा करती हैं जिसकी वजह से दिल कमजोर हो जाता है और फिर वो मजबूर करता है जिस्म को कि वो गलत काम करे या जुबान को कहता है कि गलत बात बोले और उसमें वो अः नुकसानदेह गजाएं क्या होती हैं जो दिल को एक इंसान खिलाता है झूठ की निफाक की रियाकारी दिखावा गुस्सा कीना छुपा हुआ गुस्सा जो होता है हसद उजब और केबर यानी अपने आप को बहुत इंसान पसंद करता है जो ये ये ऐसी गजाएं जो खिला देना दिल को इंसान तो बड़ा ही आ, फसाद पैदा हो जाता है आ, गुरूर जहालत जहालत भी अक्सर लोग पता क्या कहते हैं कहते हैं जी पढ़ेंगे तो अमल करना पड़ेगा रहने थे पढ़ना ही ये जहालत में जो इंसान रहता है ना उसमें तो जो गलतियां होती हैं अस्त फिर और जुल्म और गुना ये सब गजाएं अगर दिल को खिलाएंगे तो बड़ी खराबी हो जाएगी और जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर का इरादा करता है तो उसको उसके नफ्स के ऐब दिखा देता है ये सबसे बड़ी खैर होती है इंसान के साथ कि जब अल्लाह ताला हमें हमारे ऐब दिखा दे और हम देखने लगे आई मैंने आज दिल खोल के देखा है मेरे तो दिल में ये है चीज कि मैं लोगों को दिखावे के लिए बहुत सारे काम करती हूं अल्लाह कितनी मेरी नेकियां जाया हो जाएंगी इससे अपना दिल खोल के देखना चाहिए इस किताब को खोल। कभी ना हम वो समर स्कूल होता है तो हम हार्ट वाले कार्ड्स बनाते हैं हम्म तो एक दफा हमने बनाया कि साउंड हार्ट एंड सिक हार्ट हम्म मैंने ये बनवाया था बच्चों से सिक हार्ट जो था वो ब्लैक था और उसके अंदर ये सारी बीमारियां थी और जो साउंड हार्ट था वो उसमें वो सारी अच्छी बातें थी हम्म तो मजे की बात साउंड हार्ट की निशानी क्या है कि वो ये देख ले कि मेरे दिल के अंदर क्या क्या गड़बड़ है और उसको निकाल निकाल के बाहर फेंकना शुरू कर दे जब आपने फेंकना शुरू कर दिया तो एक वक्त आएगा कि आपको भी कल्बे सलीम मिल जाएगा तो जब अगर ये बात है हमारे अंदर कि हम अपने ऐबों को देख सकते हैं एक्सेप्ट कर सकते हैं और कहें हाँ अबू लका बिन आमत का अलैया व अबू बिजम्बी या रब मैं सारी नेमतों का इतराफ करती हूँ और सारी गलतियों का इतराफ करती हूँ जो मैं कर कर रही हूँ तो ये ईमान की अलामत होती है कि जब इंसान अपने अंदर का गंद बला देख कर, उसको एक्सेप्ट करे और उसे जान छुड़ाने की कोशिश करे तो अल्लाह ताला खैर का इरादा कर रहा होता है बंदे से जब वो ये काम कर रहा होता है तो फिर क्या करता है अल्लाह ताला? ये नहीं करता अल्लाह कि सिर्फ आपको ऐप आप दिखाए बल्कि जब आप दुआ मांगते हैं कि अल्लाह इनसे जान कैसे छुड़ाऊं तो अल्लाह सुबहाना ताला उसका इलाज भी आपको बताते हैं और जैसे आयत है ना इन हलामल अब स्वार किन तमल कि असल में ये नहीं होता कि आंखें अंधी होती हैं बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों के अंदर है कि अपने ऐब भी नहीं देख सकते अपनी बुराइयां नहीं देख सकते जब देख नहीं सकते तो फिक्स भी नहीं करेंगे लेकिन जब आपके अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि आप अपने ऐबों को देख रही हैं तो कहीं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है बस अब ये जान छुड़ाने का भी तरीका बता दें कि मैं इससे जान कैसे छुड़ाऊं ठीक है ना तो वो बताते हैं कि हर चीज से जान छुड़ाने का तरीका क्या है कि आप उसको अपोजिट करने लग जाएं जैसे किसी के अंदर अः कह लें कि अः उजुब है उसको अपना आप बहुत पसंद है मैं 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 जो काम करती हूँ अच्छा होता है मैं जो खाना पकाती हूँ वो अच्छा होता है मैं बच्चों की तरबियत अच्छी करती हूँ मैं यूं अच्छी हूं मैं वो अच्छी और बाकी सब गलत बाकी सब गलत है वो भी गलत है वो मेरे साथ जाति करता है ये भी गलत है क्योंकि ये ये कर रहा है तो बड़े मजे की बात है कि वो कहते हैं कि फॉर माई सेल्फ आई एम द वो कहते हैं ना डिफेंस लॉयर एंड फॉर अदर्स आई एम अ प्रोसिक्यूटर जब दूसरों की बात आती है तो मैं प्रोसिक्यूट करती हूँ जिरा करती हूँ अंदर बाहर खोल के रख देती हूँ और जब अपनी गलती की बात आती है तो डिफेंस लॉयर बन जाती हूँ हर चीज पे डिफेंड करती हूँ अपने आप तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमें उल्ट कहा गया है कि जब अपनी गलती देखो तो प्रोसिक्यूट करो और जब दूसरे की गलती देखो तो डिफेंड करो उसको।, उसको उसको सो उजर दो कि हो सकता है इस वजह से किया हो, हो सकता है इस वजह से किया हो, हो सकता है जाहिल हो हो सकता है उसको पता ही ना हो हो सकता है उसने हीट ऑफ द मोमेंट में यह काम किया हो हुँ? दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट दो और खुद को प्रोसिक्यूट करो खुद को जिरा करो कि तुमने किया तो किया क्यों तो जब किसी में उजब होता है खुद पसंदी होती है तो उसका इलाज तोजों से होता है झुक जाओ हम्बल हो जाओ आपके अंदर भी गलतियां हैं कुताइया हैं उनको सही करो और जब किसी पे आ, फखर पैदा होता है यानी बहुत प्राउड होता है अपने लिए तो उसका इलाज क्या होता है कि ये बताएं कि प्राइड तो आती किससे है फजीलत से क्या मैं फजीलत वाले काम कर रही हूँ क्या मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करती हूँ जो नॉर्मल सारे काम करें पांच नमाजें तो सब पढ़ रहे हैं इसमें फखर की क्या बात है हाँ अगर मैं तहजद के लिए उठती हूँ फजीलत वाले काम करती हूँ इशराक पढ़ती हूँ तोबा के नफल पढ़ती हूं, मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा करती हूँ तो वो फिर अल्लाह की नजर में मुझे फजीलत मिलेगी वो भी दुनिया में मुझे नहीं चाहिए और अगर कोई किसी मजाक उड़ाने की बीमारी है किसी को तो फिर इंसान को चाहिए कि अपनी अपनी अः ये सोच ले कि जब किसी का मजाक उड़ाया जाता है तो मैं भी उसी सिचुएशन में डाली जाऊंगी अगर तब तक मेरी जान नहीं छूटेगी और ऐसे लोगों की सोहबत छोड़नी होती है जो इतना ये फजूल काम करते हैं और जिक्र और इबादत और इल्म और दावत की सोहबत अख्तियार करनी चाहिए अगर हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है ना हमने सोचा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती मैं वो नहीं कर सकती मुझे तो इसका मतलब है आपकी कंपनी कैसी है आप सोचें क्या कंपनी आपकी क्या वो आपको और ज्यादा भड़का देती है क्या वो सब लोग भी यही काम कर रहे हैं तो आपको इल्म की मजलिस में जाना चाहिए जहां पर आपको इम्प्रूवमेंट के तरीके पता चले ना ये कि ऐसी मजलिस में बैठे कि खांसी आ रही हो और उसका इलाज कराने के लिए जाए तो आगे से और बीमारियां लेकर उठे कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम खुद बीमार होते हैं और हमारी कंपनी ऐसी होती है कि जिसमें जाके हमको सौ और बीमारियां तो मजलिस आपको सोल्यूशन मिलते हैं तो वो कहते हैं कि इल्म की वजह से ही कोई बंदा अपने गुस्से को काबू में करता है क्यों क्योंकि इल्म उसको बताता है कि माफ करने पर अल्लाह अजर देगा और गुस्सा रोकने के ऊपर उसको अजर और सवाब है तो ये दवाई खानी पड़ेगी मैं आपको बार बार कह रही हूं आपने गुस्से का इजहार करना है लेकिन अकलमंदी के साथ हिकमत के साथ राइट टाइम पर जबकि आपकी आवाज आपका दिल आपका दिमाग बिल्कुल काम डाउन हो लेकिन अगर गुस्से का इजहार उस वक्त में किया जब एन गुस्सा आया हुआ है तो फिर गलतियां होंगी अच्छा जब एक जो हिल्म होता है ना जिसके लिए आपको तरगीब दी जा रही है कि आप आ, अपने आप को रोक कर रखें और जरा तसली रखें और मौके का इंतजार करें वो अल्लाह सुबहाना ने अपनी अंबिया और अपनी ओलिया की सिफत रखी है गुस्से को रोकना और इंतकाम की आग को ठंडा करना ये अंबिया की सिफत है अल्लाह हम कहें कि ओहो मुझे ना ये कहते रा करें कि गुस्सा ना करो मुझे ना ये कहना ये सबक मुझे ना देना उसको क्यों नहीं कहते और उसको क्यों नहीं कहते मुझे क्यों कह रहे हैं हर बंदे के लिए है ये सबक उसके लिए भी इसके लिए भी मेरे लिए भी और क्या चीज आपको इस चीज पे जमाएगी कि आपने हिल करना है कि ये अंबिया की सिफत थी आप सोचिए हजरत नूसलाम को क्या करते थे वो उनको देखते साथ अपने ऊपर मुंह के ऊपर कपड़ा डाल लेते थे कि आई डोंट इवन टू सी यू अपनी कानों में उंगलियां ठोस लेते थे कि वी डोंट टू हियर यू अब हजरत नू क्या करते क्या किया उन्होंने छोड़ दिया उन्होंने कहा कि जाओ बाड़ में आप लोग सब जहनु में जाओ और मैं तो अपनी जन्नत में जाऊं किया ऐसा उन्होंने लेकिन नहीं उन्होंने अपनी दावत को कंटिन्यू रखा और क्या हजरत ने कहा मैंने सुबह को इनको पुकारा मैंने शाम को इनको पुकारा मैंने चुपके से इनको पुकारा मैंने महफिनों में इनको पुकारा मैंने प्यार से इनको पुकारा मैंने यानी उन्होंने वो सारे तरीके इस्तेमाल किए हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को क्या कहते थे तुम तो बड़े स्मार्ट थे हम तो बड़े उम्मीद लगा के तुमसे बैठे थे ये तुमने क्या तरीका शुरू कर दिया कि हमारे पैसों के मामले में हमें तुम तलकीन करो हमारे पैसे में भी हमारा कोई इख्तियार नहीं है हम जैसे चाहे बिजनेस करें हम डंडी मारें धोखा करें लोगों को काम दें आपने कुछ नहीं हमको बताना हजरत सारे अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया तो उन्होंने देखें कि अंबिया ने क्या किया उस वक्त जिस वक्त उन्होंने उनको गुस्सा दिलाया गया क्या उन्होंने अपना काम छोड़ दिया हुँ? या गाली गलोच की या लान तान किया नहीं ना तो ये अंबिया और औलिया की सिफत हो सिफत होती है और के इस अगर इन चीजों का इलाज ना किया जाए तो एक बीमारी के बाद दूसरी आ जाती है यानी अगर आप गुस्से का इजहार नहीं ना कर सकते और आप आपने उसको निकाला नहीं जैसे अभी रमशा ने कहा कि गुस्सा आया है वो करता जा रहा है करता जा रहा है तो उस सिचुएशन में आपने बर्दाश्त कर लिया अब आपने उसका इलाज नहीं किया आपने उस बंदे को किसी तरीके से ये बताया नहीं कि भई आपने गलती की थी तो अब एक सिचुएशन के बाद एक और सिचुएशन क्रिएट हुई और फिर एक और सिचुएशन क्रिएट हुई यानी डिफरेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं तो वो गुस्सा जो आप नहीं निकाल रहे ना या उसको नहीं बता रहे कि वो गलत काम कर रहे हैं, तो वो हिकद बन जाता है वो कीना बन जाता है वो दिल के अंदर रह जाता है हुँ? कभी कभी ऐसा होता है कि बहन भाई या बचपन के कोई काम ऐसे होते हैं जिस वक्त में वो बंदा अपने गुस्से का इजहार नहीं कर सका और उसने बर्दाश्त की तो वो बहुत बड़ा शादीशुदा हो जाता है तो तब भी वो उसको निकाल रहा होता है वो कीना बन चुका होता है अंदर एक एक बीमारी गुस्सा थी थी उसके बाद अब अब ये हिडन बीमारी बन गई जो दिल के अंदर वो 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 वाला गुस्सा जो बचपन का था वो अपने खानदान पे निकाल रहा है हम्म तो इसकी क्योर जरूर करनी होती है इसको इसको निकालने का तरीका रखना चाहिए सोचना चाहिए के साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने हिकमत के साथ किसी सिचुएशन को सॉल्व किया हो तो अगर इन चीजों का जैसे ये बीमारियां जो पैदा हो जाती हैं दिल की आ, और खुद पसंदी और गुस्सा जो कि उस वक्त में आता है जब कोई हमें आ, हमारा मजाक उड़ाता है या हमें तकलीफ देता है या हमें हमारा हक नहीं देता आ, डिफरेंट अः की वजह से गुस्सा आता है ना आ, हमारी अः इज्जत नफ्स को मजरू करता है हमें आर दिलाता है हमारे से वादे को तोड़ता है आ, हमें हकीर समझता है कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो हमें तकलीफ देती हो तो अगर ये चीजें पैदा हो जाए गुस्से की वजह से हसद की वजह से उजब की वजह से ये दिल के अंदर रहती 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 तो फिर इंसान कंस्ट्रक्टिव नहीं रहता फिर इंसान को जब गुस्सा आता है ना वो सारी के सारा गंदबला निकल के सामने आ जाता है और उसी के ऊपर सारा दायरा घूमता रहता है और कुछ कर नहीं सकता वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके दिल के ऊपर पर्दे आ जाते हैं देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्स दैट कम ऑन द हार्ट दिल के ऊपर पर्दे आ जाते हैं जैसे जैसे गुनाह की ज्यादा होती जाती है या गलत काम की या दिल की बीमारियों की ज्यादा होती जाती है तो वैसे वैसे पर्दे आते जाते हैं और वो पर्दा क्या होता है हमारे और हमारे रब के दरमियान में हायल हो जाता है जैसे जैसे पर्दा गाढ़ा होता जाएगा वैसे वैसे अपने रब से दूरी होती जाएगी अगर ये बीमारियां जो दिल के अंदर मौजूद होती हैं हसद की बोझ की गुस्से की नफरत की कीने की रियाकारी की तकबुर की खुद पसंदी की अगर ये अंदर बैठी हुई है ना और हम उसका इलाज नहीं कर रहे तो वो पर्दा गाढ़ा होता जाता है और हमें समझ ही नहीं आती अपने रब की और फिर अपने अल्लाह तला से भी हम शिकवे करने लग जाते हैं मेरे साथ ये क्यों हो रहा है लोगों के साथ तो ये नहीं होता लोग तो बड़े गुनागार होते हैं उनकी जिंदगी फिर भी आराम से गुजर रही होती है मेरे साथ तो वो जो शुरू में मैंने आपको कहा था ना इंसान अल्लाह की अल्लाह के विजडम को नहीं समझ रहा होता कि उसकी जिंदगी का पजल कंप्लीट हो रहा होता है अल्लाह तला वेरी हिडन वे इन अ वेरी सटल वे उसकी स्टोरी को कंप्लीट कर रहा होता है उसको मजबूत बना रहा होता है उसके दिल को उसके अखलाक को उसके सोच और समझ को उसके हौसले को मजबूत कर रहा होता है और उसी की स्टोरी के डिफरेंट और बंदे जो होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो रही होती है और वो सब एक जगह पर आकर एक वक्त आता है कि आपको अपनी दुआ और अपनी स्ट्रगल का आ, की पिक्चर पूरी नजर आ जाती है कि अल्लाह तला ने किस तरीके से उसको कंप्लीट किया तो आप हैरान होकर कहते हो अल्लाह अल्लाह सुबहाना आपने किस तरीके से चीज को कंप्लीट किया मैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी आज मुझे समझ आई कि वो पीछे वो क्यों हुआ था हम्म कभी ऐसे होता है ना गाड़ी खराब हो गई आप कहते अल्लाह इस वक्त में गाड़ी खराब हुई अल्लाह तो इस वक्त तो नहीं होनी चाहिए थी अल्लाह सुबहाना तला नहीं होनी चाहिए थी अल्लाह सुबहाना तला नो इज बेटर आप कोई औरत और आई उन्होंने कहा आप, आपको हेल्प चाहिए जी हाँ जी हेल्प चाहिए उनके हस्बैंड आके आपकी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं आप कहती हैं आप किधर रहती हैं वो कहती हैं आप किधर रहती हैं आपकी मेल मुलाकात हो जाती है वो कहती हैं हाँ मैं तो ये पढ़ती हूँ और यहाँ जाती हूँ आपने चलना है मेरे पास गाड़ी है हाँ जी आप आपको समझ ही नहीं आई कि एक सिचुएशन अल्लाह ताला ने क्रिएट की जो आपको ना पसंद थी आपको जिसने बॉडर किया लेकिन उसके बाद कितनी बड़ी खैर आपके लिए खुल गई ये मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है लेकिन अगर बड़ी से बड़ी मुसीबत के वक्त भी इंसान ये सोचे ना कि अल्लाह ने मेरी जिंदगी में ये क्यों लाया क्या वजह थी हो सकता है कि इयर्स आई वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड बट आई एम नॉट गोइंग टू डाउट विजडम एंड द लव ऑफ अल्लाह सुबह फॉर मी आई एम ने सुबह मी मोर देन सेवेंटी मदर्स एक माँ का प्यार जो है वो मैं इमेजिन नहीं कर सकती तो अल्लाह सुबहाना तला तो मुझे सत्तर माओ से बढ़कर प्यार करता है इट इज इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल कि अल्लाह सुबहान तला कभी मुझे बॉर्डर करे कभी मुझे तंग करने के लिए कोई अल्लाह ताला को ये चा, नहीं चाहिए अल्लाह को अजाब देना अच्छा नहीं लगता अल्लाह सुबहान तला को नरमी और आसानी अच्छी लगती है और यही अल्लाह तला की हमत है हमारी जिंदगी के बीच में तो अपने गुनाहों पर जरूर नजर करनी चाहिए कि मैं कौन कौन सी गलतियां कर रही हूँ मेरे अंदर क्या गंद इकट्ठा हुआ है मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली उससे जान क्यों क्योंकि मेरे और मेरे रब के दरमियान में कोई अः पर्दा नहीं होना चाहिए क्योंकि जब पर्दा आ जाता है ना तो ब्लर हो जाती है सिचुएशन और अगर पर्दा गाढ़ा हो जाए तो आपको चीज नजर ही नहीं आती बाहर दिन भी चढ़ा हो तो आपका पर्दा बहुत थिक हो तो आपको तो लगेगा क्या अंधेरा है रात है है ना तो इसी तरह दिल के ऊपर जो पर्दा पड़ा है अगर वो गुनाहों की वजह से या कीने की वजह से या हसद की कोई भी गदब की वजह से ये गुस्सा जो होता है इसकी वजह से अगर उसके ऊपर पर्दा गाढ़ा होता गया ना तो फिर आपको अल्लाह तला की विजडम की नहीं समझ आने वाली अल्लाह तला की दी हुई नीमते नहीं नजर आने वाली आप शिकायत ही करते रहेंगे वो नियमते आपसे छुप जाएंगी शैतान आपको छुपा देगा उनको छुपा देगा आप नेमतों के ऊपर नजर ही नहीं करेंगे और आपने जा उस चीज उस नुक्ते पर टिक 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 एक ही चीज पे कि ये अल्लाह ताला ने मुझे क्यों नहीं दिया ये अल्लाह ताला ने मुझे क्यों नहीं दिया और जो दिया है उसको तो फायदा उठाए उसको तो इंजॉय करें हम्म ये कितनी हैरत की बात है ना कि हम सारी जिंदगी जो इतना हमारी जिंदगी में कितने एक बंदा है ना जो हमको बॉदर करता है और कितने बंदे हमारे मददगार हैं कभी हमने ऐसा किया कि हमने अल्लाह तला का शुक्र किया अल्लाह तला ये तो कम अज कम मेरा हमदर्द है अल्लाह तला ये तो कम अज कम मुझे तंग नहीं करता अल्लाह तला ये तो कभी किए नहीं हम उन सबको भूल जाते हैं गुस्से में हम उन सबको भूल जाते हैं और हम उस बंदे के सोच में ही अटके रहते हैं जो हमको बॉदर कर रहा है।, है ना ये बात तो थोड़ा सा मैं आपको ये फिकुल कुलूब में जो हमने पढ़ा था कि दिल के ऊपर कौन कौन से पर्दे पड़ जाते हैं और कौन सा पर्दा बहुत थिक होता है और कौन सा पर्दा बारीक होता है तो एक पर्दा तो है कि जो अल्लाह ताला के इनकार और कुफर का है जो काफिर करता है ये सबसे गूढ़ा और सबसे थिक पर्दा होता है जिसकी वजह से अल्लाह और बद्दी का ताल्लुक ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाता है वो बंदा अल्लाह को नहीं पहचान सकता इतना थिक पर्दा होता।, होता है और दूसरा पर्दा होता है शिरक का कि वो अल्लाह को तो पहचानता है लेकिन अल्लाह के साथ पार्टनर्स बना देता है किसी और की भी इबादत करने लग जाता है ये भी बहुत अः थिक पर्दा होता है फिर एक और पर्दा क्या होता है बिदत का जो कौली बिदत होती है जैसे अपनी ख्वाहिशात ख्वाहिश परस्ती के ऊपर चलने वाला और ख्वाहिश की बात करने वाला दिल की बात करने वाला अल्लाह की बात नहीं करता और नई नई बातें क्रिएट कर लेता है जिसकी वजह से वो अपने आप को डिफेंड कर सके और अपने एक्शंस को डिफेंड कर सके फिर एक पर्दा होता है अमली बिदत का हम्म खुद से अपने दिल की मर्जी से कोई फैब्रिकेट कर लेना चीज के अल्लाह को वो अच्छी लगती होगी जैसे इबादत के लिए ये धमाल डाल देते हैं हैं कहते है कि ये एक है ना दीन के अंदर वो कहते हैं ये तो इबादत है इबादत का तरीका है कि हम अल्लाह के अंदर गुम हो जाते हैं ऐसे बाल खोल के और अपने ये नहीं पता कि जिसमे किस तरह उछल रहा है कैसे जा रहा है या अगर आप टर्किश देखें अक्सर लोगों ने अपने प्रोफाइल पिक्चर्स में भी लगाया होता है वो जो गोल घूमते रहते हैं लंबी सी टोपी पहन के वो सूफी इजम में के आप ऐसे घूमते जाए घूमते जाए बस अल्लाह में गुम हो जाए आपको तो कुछ समझ ही ना आए ऐसी इबादत अगर, अगर अल्लाह के रसूल ने बताई होती तो हम जरूर करते लेकिन ऐसी इबादत के इबादत का तरीका और जिंदगी का तरीका हमने सिर्फ और सिर्फ रसुल्ला से सीखना है तो ये बिदत होती है अमली ये भी एक पर्दा डाल देती है आपको हकीकत हाल नहीं नजर आती अब उन बंदों को जाके कहें कि नहीं आप अल्लाह के रसूल सम का तरीका इख्तियार करें इबादत का और जिक्र का तो वो कहेंगे ना हमारे शेख ने ये बताया कि अल्लाह के अंदर मर्ज इन कैसे करना है और कैसे अल्लाह के अंदर और नमाजे में सोरी होती हैं नमाजे में सोरी होती है और उन्होंने अमली तरीके बिदत के निकालिए क्योंकि उनके दिल को ये चीजें अच्छी लगती हैं नाच गाना म्यूजिक और उसके ऊपर ये इस तरह के गोल घूम के डांस करना या कुछ भी तो ये भी एक पर्दा होता है फिर एक पर्दा होता है कबीरा गुनाहों का जो छुपे हुए होते हैं अगर दिल के अंदर खुद पसंदी या तकबर है ना तो वो एक पर्दा है वो आपको अल्लाह सुबहाना से जुड़ने में माने होगा अल्लाह सुबहाना से दुआ में माने होगा अल्लाह सुबहाना से ताल्लुक आपका इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता अल्लाह का तकवा आपको वैसे नहीं मिल सकता जैसे मिलना चाहिए इंसान अपने आप ही को बड़ा समझता रहता है फिर होता है कि जो कबीरा जाहिरन करते हैं जैसे शराब पीने वाला जिना करने वाला ये जाहरी गुना है ना अच्छा जाहिर गुना करने वालों का पर्दा इतना गाढ़ा नहीं होता जितना बातनी गुना करने वालों का होता है वो कैसे हम्म कोई बता सकता है कि जो जाहिरन गुनाह करता है उसका पर्दा अल्लाह और उसके दरमियान जो पर्दा है वो होता तो है लेकिन पतला होता है उससे जि, जिस जैसे जिसके दिल के अंदर छुपी हुई बीमारियां बहुत क्योंकि छुपी हुई बीमारियां लोगों को तो नहीं पता कि कोई उसकी करेक्शन कर सके वो बंदा अपने ही आप में गुम डूबता जाता है लेकिन जब कोई जाहिरन कोई बुराई करता है ना कोई कबीरा गुना कोई लान तान करता है उसको कोई बुरा भला कहता है कोई सजा का बताता है तो वो तोहबा कर सकता है ठीक है ना जो जहिरी कबा गुना कर रहा होता है वो उसको तोबा की तोफीक हो सकती है लेकिन वो जो छुपे छुपे दिल के अंदर रख के बैठा हुआ है ना बड़े बड़े गुना उसको उसकी तोबा नहीं हो सकती क्योंकि वो अपने अंदर ही गुम है फिर एक और पर्दा होता है सगीरा गुनाहों का इससे भी तोबा और इस्तीफार हो सकती है लेकिन बहर हाल ये परदा होता है समझ आ रही है ना आपको कि पर्दे क्या करते हैं बताए रमशा पर्दा क्या करता है जो दिल के ऊपर पर्दा पड़ता है क्या उस आ, उसका कॉन्सिक्वेंस होता है नहीं फिर अल्लाह ताला से तो ताल्लुक उस तरह का नहीं बना सकते और ना इंसान रो सकता है दुआओं में ना इंसान से नेकियां होती है तो हाँ अच्छा आप ना लिटरल सोचो लिटरल सोचो जाली का पर्दा सोचिए सबके घर में लगा हुआ ना जाली का पर्दा आप उससे आर पार देख सकते हो जाली के हाँ, देख सकते, देख सकते। हो ना देख सकते हो ना मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह सोचे देख सकते हैं पर पर्दा तो बाहर है ना क्लियर नहीं ना देख सकते जी जा, 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 इसका मतलब है कि पर्दा कैसा भी हो बारीक पर्दा भी है तो पर्दा है अल्लाह सुबहान तो क्लियरली नहीं आप पहचान सकते ठीक है ना क्लियरली नहीं पहचान सकते हाँ, तो ये पर्दे किस वजह से आते हैं गुनाहों की वजह से आते हैं चाहे छुपे हुए गुना है दिल के अंदर या चाहे गुना है जो बाहर के वो क्या करते हैं जितना जितना गुनाह बड़ा होता जाएगा उतना उतना पर्दा थी होता जाएगा एंड यू वॉन्ट बी एबल टू रिकोगनाइज योर रब नहीं। 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 तो वो ये बता रहे हैं आपको कि सगीरा गुनाह के भी पर्दे होते हैं और फिर मुबाहत के भी पर्दे होते हैं मुबाह का मतलब होता है ऐसे काम करने फजूल जिनमें ना सवाब है ना गुना जैसे आ, हमारे घरों के अंदर आ, मौसम के ऊपर बहस करना मौसम कैसा है अब ये हो गया वो यू नो इट इज ओके टू से इट वंस लेकिन अगर आपकी घंटे की गुफ्तु सिर्फ मौसम पर है तो वो भी पर्दा डाल देगी आपके दिल के ऊपर ये फजूल चीज थी जो आपने एक्स्ट्रा कर दी डोंट डू दैट ये भी पर्दा डाल देती है फजूल बातें जो ना सवाब ना गुना लेकिन आप सियासत पे बहस करना गाड़ियों पर बहस बहुत ज्यादा करना खाने के ऊपर बहुत ज्यादा बातें करना बहुत ज्यादा बातें उससे क्या होता है कि दिल के ऊपर पर पर्दा सा आ जाता है वो जो क्लियर कट आपको अल्लाह तला की समझ है ना जो आपको सोच पे मजबूर करती है लट से आप बैठे हुए हैं और आपने किसी पौधे को देखा है ठीक है अगर आप बहुत ज्यादा बातें करें ना मौसम के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर और खाने के ऊपर आपने नहीं देख सकते उस पत्ते को और नहीं कह सकते कि सुबहान अल्लाह ये अल्लाह तला की क्या शान है इस पत्ते के बीच में क्या लाइने हैं क्या कलर है क्या शेप है इसकी क्या अल्लाह तला ने दुनिया बनाई हुई है इसके अंदर कितने सेल है ये गौर वफिक्र आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि यू आर बिजी इन समथिंग विच इज यूजलेस यू वॉन्ट बी एबल टू पॉन्डर एंड थिंक प्रॉपरली द वे अल्लाह सुबहान तआला वांट्स यू टू पॉन्डर डू यू गेट इट जी हाँ ऐसे होता है ये जी, फिर जी, पर्दा पड़ पर जाता है ना रेस्टलेसनेस uh, भी बहुत तो। शुरू हो जाती है ना आपको जब आप बहुत ही दुनियावी बातें और दुनियावी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं हम्म और फिर गफलत का पर्दा होता है एक कि आप अपने मकसद हयात को नहीं समझ सकते गफलत किस वजह से आ सकती है चाहे आप ना पढ़ रहे हैं आप जानना ही नहीं चाहते ना कोई किताब पढ़नी हमारी अक्सरियत देखें जो मुसलमानों की है किताबों से कोई लेना देना नहीं है व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक यानी कोई यू नेम एनी फॉरम ऑफ सोशल मीडिया दे आर देर ऑल दट नॉट अबाउट मैंने पता एक नोटिस की टेलीफोन के साथ जुड़ गए कार्ड्स हैं बोज के इस्तेखबार के और अलहदुल्ला के तो ये जब दस दिन थे अशरा जुल्हिजा था तो हम लोगों ने किसी ने डोनेट किया और मैंने कहा कि ये मैं दूंगी अच्छा आप ये कितनी प्यारी चीज है आप अपने पर्स में रख लीजिए आप अब अपने घर में रख लीजिए बट पीपल आर नॉट रेडी टू टेक दैट लाइक आवर फोन लाइक इट इज सो हैंडी अच्छा फोन की कितनी दफा आप खोल के उस एप को देखते हैं या उन दुआओं को देखते हैं इट इज इम्पॉसिबल यू नो खबन वी नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक यानी कितनी दफा आपका फोन आपको ये इजाजत देता है कि आप उन फॉरम्स को छोड़कर अब अपनी दुआओं की ऐप को खोलें किताब जो होती है ना किताब होती है किताब समथिंग उसकी बैटरी डाउन नहीं होती वो डेड नहीं होती <laughs> टेलीफोन डेड हो जाता है यानी ये ना बड़े मजे के शेख ने बात की उन्होंने कहा डोंट ट्रस्ट दीज वो दिस टेक्नोलॉजी टू मच कि अभी हमारा कनाडा में रॉजर्स का वो डाउन हुआ रॉजर्स हमारा वो है प्रोवाइडर है इसका इंटरनेट का और टेलीफोन की सर्विसेज का वो डाउन हुआ टेलीफोन बंद सबके कोई काम नहीं कर रहा तो सब लोग देख रहे अपने फोन को क्यों यूजलेस पीस ऑफ भैया <laughs> तो हमें तो ये चीज ये क्या चीज है हमारे तो किसी काम की नहीं कि अगर इसके बीच में सर्विस नहीं आ रही फोन चार्ज भी है सब कुछ है लेकिन ना आप किसी को कॉल कर सकते हैं ना आप अपना कुछ चेक कर सकते हैं किसी भी उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर तो उन्होंने कहा कि दो मिनट में आपको लग पता गया कि इसकी हैसियत क्या है कि जरा सा कुछ गड़बड़ हुई तो सब कुछ क्या आपका सारे दोस्त गायब हो गए जो आपने बना के रखे थे जिनसे हर वक्त बातें हो रही थी सारे कुछ गायब हो गए तो हमने किताबों से मोहब्बत करना छोड़ दी है और गफलत का पर्दा वाकई बड़ा बड़ा ज्यादा पड़ गया हमारे दिल के ऊपर और वो हमें अल्लाह का शुक्र नहीं करने देता अल्लाह का जिक्र नहीं करने देता हम गफलत में किसी और ही चीज में पड़े हुए उससे उसको इग्नोर करके असल आ, मकसद है यात को हम कहीं और ही लगे हुए और फिर एक पर्दा उनका होता है कि जो कोशिश कर रहे होते हैं और बार बार पलटते हैं अल्लाह की तरफ आती है गफलत देखें आप

ये ये मिल गया होता अगर मैंने इस्तार पढ़ी होती तो अल्लाह तला पता नहीं कितने मेरे गुनाह बख्श दिया होती। आप इतना दुख करते हैं वो गफलत का पर्दा आता है लेकिन आप जो तोबा करते हैं और पलटते हैं तो आपकी वो जो सयात भी होती हैं वो भी हसनात में बदल जाती हैं है। <laughs> like so तो मुझे सही रोना आता है कहती अल्लाह सुबहाना सुबहाना कब अभी हम दिखा का अल्लाह आपके तो हिल्म पे आपकी तारीफ होनी चाहिए कोई बंदा ये काम नहीं कर सकता हम अगर कोई लोग हमें तकलीफ देते हैं तो हम उनकी तकलीफ को भूलते नहीं है हम उनको कहते हैं हम माफ कर देंगे हम भूलेंगे नहीं गुस्सा हमें बहुत आया आपके ऊपर लेकिन अल्लाह सुबहान तला क्या करते हैं हमने अल्लाह को रब्बुलमीन को गुस्सा चढ़ाया हाँ नाफरमानी की कुछ किया और उसके बाद अल्लाह ने देखा अल्लाह सुबहाना को फौरन पता चल गया और उसके बाद भी अल्लाह तला ने अपने गुस्से को रोक कर रखा हमें तोफीक दी हमें टाइम दिया कि हम इस्तेफार कर लें तो सुबह कभी हमदि का आला हिल का बाद का अल्लाह तेरे तो हिल की क्या कहने हैं और अल्लाह तला हमें क्या क्या सिखा जाता है क्या क्या सिखाता है अल्लाह सुबहाना तला हमें हम हम अपने आप जैसा हम अल्लाह सुबह से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना अल्लाह से कि अल्लाह आप तो हमें बख्शे ही बख्शे ना आप तो हमें माफ कर ही दे वैसे हम लोगों के साथ मामला नहीं करते अबू बकर से दीख रदी अल्लाह की बेटी के ऊपर रसूल सल की वाइफ के ऊपर अबू बकर के रिश्तेदार जो हजरत मिस्ता थे रदी अल्लान उन्होंने इल्ज़ाम में वो शामिल हो गए गॉसिप में शामिल हो गए हजरत तो अबूबकर से देखने ने कहा मैं इनको वो वजीफा नहीं दूंगा जो मैं इनको दिया करता था तो अल्लाह ताला ने हजरत मस्त को तो छोड़ा लेकिन बकर रजी अल्लाह तला को उनको क्या कहा क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें दे तो उन्होंने क्या कहा था और अब मिस्ताक का वजीफा डबल है अल्लाह सुबहाना तला हमारे से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं यू नो फोकस योर ओन पर्पस ऑफ लाइफ फोकस योर ओन पर्पस ऑफ लाइफ दीज पीपल अराउंड यू ये आपको इरिटेट करते हैं आपको हर्ट करते हैं आपको लेकिन ये हर्ट और ये इरिटेशन आपको किस तरफ लेकर जा रही है ये मुझे बताएं आप किसकी तरफ भागते हो आप किसकी तरफ आ, 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 रुजू करते हो बताएं यानी जब कोई या आपको तकलीफ देता है तो आपको सबसे पहला शाबाश बोले ना बताए ना किसका ख्याल आता है अल्लाह ताला का ख्याल आता है ना अल्लाह सुबहान तला का ख्याल आता है ना अल्लाह ये मेरे साथ क्या हो रहा है अल्लाह सुबहान ये मैंने क्या कर दिया ये उसने मेरे साथ क्यों किया तो कभी कभी लोग आपको तकलीफ देकर अल्लाह के करीब कर देते <laughs> वो जो आपने सफर बड़ा लंबा तय करना था ना जो आपने अल्लाह की कुर्बत का सफर बड़ा लंबा तय करना था कितने नफल पढ़ते, कितनी दुआएं करते और जाते वो एक धड़ल्ले में उस बंदे ने आपको ऐसा दुख और तकलीफ दी कि आप वो पहुंच गए लिफ्ट पे चढ़ के और लिफ्ट भी फास्ट और आप उस जगह पे पहुंच के अल्लाह तला से बात करें अल्लाह के इतने करीब हो गए वो तो आपको साल लगना था पहुंचने में तो ये भी तो अल्लाह तला रहम और करम होता है ना कि अल्लाह सुबह आपको ऐसे बंदे आपके अराउंड ले आता है वो अल्लाह की हिकमत ही है कि वो कार फरमा हो रही होती सो इसलिए बहुत सोच समझ के अपनी जिंदगी का जो है ना सफर तय करना चाहिए थोड़ा सा हजरत बरा बिन मालिक रजी अल्लाह के बारे में बता देती हूँ क्योंकि मैं काफी अरसे से आपको कोई वो नहीं सुना रही कंपेनियन की स्टोरी और वो जल्दी से करेंगे क्योंकि हमारी क्लास में बस पांच मिनट और हैं हजरत बरा बिन मालिक जो थे वो जोशीले थे जैसे आप कहते हैं ना कि जोशीला बता जो जल्दी से एक्साइटेड हो जाता है और ये हजरत अनस बिन मालिक के भाई थे ठीक है

कि ये जब लड़ाई के बीच में या कोई भी जंग होती थी मुसलमानों की काफिरों के साथ उसमें इस कदर बहादुरी से लड़ते थे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती और एक जब हजरत बकर का जमाना आया तो बहुत सारे लोग मुर्तद हो गए उन्होंने कहा हम ज़क़ात नहीं देते कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद और इन सब लोगों ने जब उनके ऊपर हमला किया तो उनकी फौज इतनी बड़ी थी मुर्तदीन की बहुत ज्यादा लोग मारे गए और किसी तरीके से वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था मसला कि इनको कैसे पकड़े या मुसलमा कजाब को कैसे मारें तो उस वक्त में बरा बिन मालिक जो थे इन्होंने बहुत स्मार्टनेस के साथ अपने साथियों से कहा जिस जमात के ये लीडर थे क्योंकि मुसलमा बिन कजाब जो था वो अंदर चला गया था बागीचे के और उसने दरवाजा बंद कर दिया था तो उन्होंने कहा कि इस ढाल के ऊपर ये जो शील्ड नहीं होती जो आगे रख के ये जंग करते थे कहते मैं इस शील्ड के अंदर बैठता हूँ और आप नेजों के साथ दस नेजे उन्होंने नीचे टिकाए उस शील्ड के और मुझे ऊपर करके जोर से ऐसे उछाल के ना अंदर बागीचे के फेंक दो जस्ट इमेजिन कि कितना कोई बहादुर इंसान होगा कि मुझे अंदर फेंक दो अंदर सारे दुश्मन बैठे हुए हैं उनके पास तीर भी हैं जो तलवारें भी हैं सब अपनी तलवार लेकर उन्होंने जोर से जो उनको फेंका तो वो बागीचे के अंदर चले गए उधर जाकर इतने स्मार्ट थे कि उनको मारते कूदते सबको लड़ते लड़ाते जाके गेट खोल दिया और वो जंग मुसलमान जीते हम्म इतने बहादुर और स्मार्ट थे ये और इनका एक और क्या हुआ कि इनको उस वक्त में बहुत चोटें लगी और खालिद बिन वलीद ने इनकी खुद से हिफाजत की इनके पास रहे जब तक कि ये हील ने किए पर ये शहीद नहीं हुए और इनको शहादत का बहुत शौक था फिर एक वक्त ऐसा आया कि फारिस में जंग हुई और वो जो फारसी फौज थी वो किले में बंद हो गई इन्होंने मुहासरा किया और मुहासरा बहुत ज्यादा लंबा हो गया लेकिन मुहासरा तोड़ा नहीं तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने आपको पता है पुराने जमाने में इनके पास बहुत ज्यादा पहले मंजनीक होती थी वो जो पत्थर फेंकते थे दूर से उन्होंने किले के अंदर से एक तरीका किया उन्होंने जो जंजीरें थी ना मोटी मोटी जंजीरें उनको तेज गर्म कर दिया जैसे बखा बखा कहते हैं ना इसमें पंजाबी में और उनके साथ हुक लगा दिए नीचे ना जंजीरों के साथ हुक लगा दी और उनको तेज गर्म कर दिया और उन जंजीरों को नीचे फेंका कि जो जो नीचे बैठे हुए थे ना ये मुसलमान इंतजार करते उनको उनके साथियों को ले लेके पकड़ पकड़ के जंजीरें ऊपर खींचने लग गए एक तो वो जलने लग गए क्योंकि जंजीरें इतनी तेज और हुक इतनी तेज गर्म थी और दूसरा ये कि ऊपर भी उनको उठा रही थी इतनी देर में अनस बिन मालिक के कपड़ों में वो जंजीर फंस गई वो हुक फंस गई अब वो जल भी रहे थे और वो ऊपर भी उठ रहे थे तो हजरत बरा ने क्या किया छलांग लगाई और जंजीर के साथ चिपक के और अपने जोर से उनको उस हुक से निकाला और खुद भी बचे और उनको भी बचाए लेकिन खुद बहुत ज्यादा जल गए उस आ, आ, क्या उसको कहते हैं उस छुड़ाने में और आ, इस मार काराई में हजरत बरा बिन मालिक अंसारी अल्लाह सुबहान तला से उन्होंने शहादत की दुआ की थी और उनको शहादत मिली अल्लाह उनको नसीब करे और उनकी ख्वाहिश को अल्लाह सुबहान तला पूरा करे चले मेरी प्यारी बहनों आपको स्टोरी भी सुना दी है और आज आपको गुस्से के बारे में भी काफी सारी बातें पता चल गई इनशाला मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप कुछ ना कुछ शेयर जरूर करेंगी और बताएंगी की कि किस तरीके से आपने अपने, अपने आप को रिशेप करने की कोशिश की है ठीक سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته